Hello, my dear student. Today's topic is knock in CI engine, and after this your combustion chapter will complete and then we'll move forward for the next chapter. So let's understand what is the phenomena of knock in CI engine. हमने पहले भी आपको स्टेजेस के बारे में बताया था कि कम्बशन, अगर सीआई इंजन में कम्बशन हो रहा है तो उसमें क्या क्या स्टेजेस होंगी और किस तरीके से फ्यूल इंजेक्ट होगा, फ्यूल इग्नाइट होगा और किस वो प्रेशराइज करेगा और पावर को ट्रांसफ़र करेगा एक पीट हीटर डायग्राम के थ्रू, अगर आपको अपने पहले लेक्चर अटेंड करा है तो. अब हम समझेंगे कुछ पॉइंट्स कैसे उसी संदर्भ में, उसी रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे कि हाउ नॉक विल हैपन इन योर इंजन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल control, and then we will compare knock in CI engine and knock in SI engine. So let's understand knock in CI engine. In first point, just look on the first point, when there is a knock means knock, first point we have to look on the first point. In CI engine, injection process takes place for a definite time and ignition delay plays an important role in a smooth combustion process. तो हमने पहले भी आपको बताया था कि जब भी कम्बशन होता है CI इंजन में तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें एक स्टेज होता है इग्निशन डिले पहला स्टेज होता है. इग्निशन डिले का मतलब क्या है कि जब आपका पहला जो जैसे इंजेक्ट होगा, इंजेक्टर से स्टार्ट होगा और इंजेक्शन से फ्यूल का इंजेक्शन बंद भी होगा, मतलब एक स्टार्ट एंड स्टॉप के बीच में एक टाइम ड्यूरेशन होगा. इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जब स्टार्ट होता है तो पहली बूंद जो आपकी ड्रॉपलेट है वो कम्बशन चैम्बर में आई, यानी सिलेंडर में आई. सिलेंडर के अंदर आते ही तो वो क्या करेगी, वो हीट अप होगी, अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगी और फिर वो बर्न करेगी. तो ये एक प्रोसेस, इसमें नहीं एक टाइम लगा, एक टाइम ड्यूरेशन होगा. इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपका जो जो पीछे से इंजेक्शन तो स्टार्ट है तो आपके फ्यूल आ ही रही है आपके सिलेंडर में, तो यानी अगर ये इग्निशन डिले थोड़ा सा लंबा हुआ तो यानी आपके चैम्बर में यानी सिलेंडर में फ्यूल का एकुमुलेशन ज़्यादा होगा और फ्यूल जो है जो प्रिपेयर्ड फ्यूल हो जाएगा वो, और जब कम्बशन एक्चुअल स्टार्ट होगा तो आपके पास बर्न होने के लिए काफ़ी फ्यूल होगा. दैट बील आई थिंक दैट विल लीड टू ए अनकंट्रोल्ड कम्बशन. और अगर ये एक ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो फिर यही रीज़न क्या करता है, ये बहुत ही सीवियर वाइब्रेशन पैदा करती है, गैसियस वाइब्रेशंस, वायलेंट गैस वाइब्रेशंस पैदा करती है और यही आपकी नॉकिंग होती है. तो आपका यानी नॉकिंग सीधे सीधे इग्निशन डिले से संबंधित है, तो उसी को संदर्भ में ये बात की गई है. दूसरे पॉइंट पे देखिए आप, इफ़ इग्निशन डिले इज शॉर्ट दैट मीन्स द फर्स्ट ड्रॉपलेट ऑफ फ्यूल विल टेक लेस टाइम टू बर्न एक्चुअली. यानी अगर डिले पीरियड शॉर्ट है यानी फ्यूल का पहला आएगा और वो बहुत जल्दी जल जाएगा तो होगा क्या, एन एक्चुअल कंजप्शन विल स्टार्ट अर्ली एंड दिस वे फ्यूल कंजप्शन ड्यूरिंग द डिले पीरियड विल बी लेस. इसका ये मतलब हुआ जो एकुमुलेशन होगा, अगर आपका डिले पीरियड शॉर्ट हुआ, डिले पीरियड शॉर्ट होने का ये मतलब सीधा सा ये है कि अगर आपका डिले पीरियड शॉर्ट हुआ यानी फ्यूल जैसे ही आएगा थोड़ी देर में जल जाएगा, यानी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में वो जल जाएगा, तो पीछे वाले फ्यूल जो आ रही थी उसको कम टाइम मिला एकुमुलेट होने के लिए, तो अब बर्निंग एक्चुअल स्टार्ट हो चुकी, यानी जो फ्यूल अब आएगा वो जलता रहेगा. तो इस तरीके से आप जो है कम टाइम मिलता है आपको फ्यूल एकुमुलेशन के लिए. सेकेंड पॉइंट को समझिए आप, सेकेंड पॉइंट में क्या हो रहा है, सेकेंड पॉइंट में जब फॉर द शॉर्टर डिले पीरियड, यानी जो शॉर्टर डिले पीरियड है, मान लीजिए फॉर द शॉर्टर डिले पीरियड द मास रेट ऑफ द मिक्सचर बर्न विल बी इन सच वे दैट इट विल प्रोड्यूस ए रेट ऑफ प्रेशराइज इन ए स्मूथर वे. ऑब्वियसली अगर शॉर्ट डिले होगा आपका, यानी आपको खुद देखो इस फिगर में, अभी मैं समझाता हूँ आपको, अगर आपका शॉर्ट डिले पीरियड होगा तो जल्दी कम्बशन स्टार्ट हो जाएगा तो फ्यूल जो आ रहा है इंजेक्शन के थ्रू वो जलता रहेगा, तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगी, स्मूथ वे में आपका प्रेशर राइज होगा और वही प्रेशर जो है एग्जर्ट होगा आपके पिस्टन पे, नहीं स्मूथ पावर आपको मिलेगी. लेकिन अगर एक डिशन डिले ज़्यादा हुआ है यानी जो स्टार्टिंग कम्बशन होगा यानी जो सेकेंड स्टेज होगा वहाँ पर ज़्यादा फ्यूल इकट्ठा हो जाएगा और ज़्यादा फ्यूल इकट्ठा होगा तो बर्निंग जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, बहुत तेज़ी से प्रेशर राइज करेगा और एक सीवियर वाइब्रेशंस जो आपकी क्रिएट हो
हो जाएंगी, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है और ये हमारे लिए अनडिज़ायरेबल है। तो हमें ध्यान रखना होता है कि हम इस तरीके से हमारा फ्यूल का सिलेक्शन, हमारा डिज़ाइन, सब कुछ इस तरीके से हो कि आपका डिले पीरियड शॉर्ट हो। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने वाली बात है। अब इस चीज़ को फिगर में आप समझिए, दोनों फिगर आपको मैंने बता दिखाया है। एक स्मूथर अगर नॉकिंग है, बिना नॉकिंग का इंजन चल रहा है तो आपका क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, बिना नॉकिंग के अगर आपका इंजन चल रहा है तो उसमें कैसे जो है चीज़ें हैपनिंग हो रही हैं। अब आप देखिए इसमें क्या है, ये पी थीटा डायग्राम ही है, ये पी टाइम है और ये पी थीटा है। ये आपका प्रेशर राइज दिखाया गया कैसे, जबकि सबसे बीच वाला जो लाइन है यानी ये वाली लाइन जो देख रहे हो, ये आपका टीडीसी को दिखा रहा है, ये आपके टीडीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं और थिकनेस जो है पॉइंट्स में रखता हूँ, ओके। ये जो बीच वाली लाइन है जिसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपकी लाइन जो है ये टीडीसी को दिखा रही है, मुझे फिर से इसे दिखाना पड़ेगा, उतना क्लियर दिख नहीं रहा है। हाँ जी, इसमें आपने थ्री डॉटेड लाइन देखो, ये आपका जो है ये आपका पी थीटा कर्व है। अब इसमें जो सबसे एक्सट्रीम राइट ये वाली लाइन जो है आपकी टीडीसी है, इसके पहले वाली जो सबसे पहली जो डॉटेड लाइन है ये दिखा रहा है यहाँ से इंजेक्शन स्टार्ट हुआ आपके, यानी ये क्या है, ये पिस्टन जो है, यानी ये अगर आपका सिलेंडर है, सिलेंडर में पिस्टन जो है ये एक तरीके से ये आपका पिस्टन है, तो टीडीसी अगर है तो पिस्टन आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। यानी यहाँ से इसका ये मतलब हुआ कि जब आप इधर की साइड में जा रहे हो तो इसका मतलब ये हो पिस्टन टीडीसी की तरफ बढ़ रहा है, तो यानी कंप्रेशन हो रहा है। तो कंप्रेशन से कुछ देर पहले ही आप यहाँ पे स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन कर रहे हो, उसके बाद क्या कर रहे हो, उसके बाद जैसे ही स्टार्ट ऑफ कंप्रेशन इंजेक्शन हुआ उसके थोड़ी देर बाद अपने आप जैसे ही इग्निशन डिले ये इस पॉइंट से, और इसके बाद देखो ये वाला पॉइंट दिखा रहा है जो स्टार्ट ऑफ कंबशन है और ये स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन है। तो स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन और स्टार्ट ऑफ कंबशन के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी ये वाली लाइन इस वाली पॉइंट पे, यही पॉइंट ये जो टाइम ड्यूरेशन है यही आपका इग्निशन डिले है, यही इग्निशन डिले है। तो इग्निशन डिले हुआ, यहाँ से आपका बर्निंग स्टार्ट हुई इस पॉइंट पर, यानी स्टार्ट ऑफ कंबशन के बाद से आपका जो है एक्चुअल कम्बशन स्टार्ट हुआ यानी सिलेंडर के अंदर। और आप ये देख सकते हो कि आपका जो मैक्सिमम प्रेशर राइज हो रहा है वो टीडीसी के बाद हो रहा है। इस तरह से एक स्मूथ आपको कम्बशन इसमें दिख रही है। ये आपका एक नॉर्मल कम्बशन अगर सीआई इंजन में हो रहा है तो उसका फिगर था। अब आप इसी चीज़ को टाइम होराइजन पे देखो, अगर सपोज करो ये लाइन पूरी टाइम दिखा रही है और ये टाइम जो लाइन दो पॉइंट्स के बीच में ये टोटल इंजेक्शन टाइम दिखा रहा है, टोटल इंजेक्शन टाइम की जब आपके स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन हुआ, यानी ये लाइन जो है स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन और ये एंड ऑफ इंजेक्शन दिखा रहा है, इसके बीच में हो क्या रहा है। अगर जैसे ही इंजेक्शन स्टार्ट होता है तुरंत तो जलने लग, फ्यूल तुरंत जलती नहीं है, तो ये थोड़ा टाइम लेती है। जो जितना टाइम ले रही है वो आपका ये दिखा रहा है, यानी यहाँ से स्टार्ट ऑफ कंबस्शन है, ये वाली लाइन से स्टार्ट ऑफ कंबस्शन है और फिर कंबस्शन ये पूरा होता है यहाँ तक। लेकिन अगर ये और ये इसके पहले वाले जो ये वाली पॉइंट्स हैं, यानी इस वाले जगह पे आप देखो, मैं दूसरा कलर से देख ले, रेड कलर से देखते हैं, ये वाला जो ड्यूरेशन है यही इग्निशन डिले कहलाता है। अगर ये ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो बिना कंबशन के, यानी कंबशन स्टार्ट होने के पहले आपके पास फ्यूल का एक्युमुलेशन होगा, यही इतना जगह जो होगी यही फ्यूल का एक्युमुलेशन दिखाएगा। और ये फ्यूल का एक्युमुलेशन क्या करेगा, अगर ये जितना ही स्पैम जितना बड़ा होगा, यानी ये वाला पॉइंट अगर जितना ज़्यादा चौड़ा होगा यानी वाइडर होगा फ्यूल ज़्यादा इकट्ठा होगा, और जितना शॉर्ट होगा फ्यूल कम इकट्ठा होगा। इसका मतलब कि आपका जो है कम से कम जो है वो इंजेक्शन डिले है, शॉर्टर इंजेक्शन डिले है। तो इस डायग्राम को आप इस तरीके से थोड़ा सा समझ सकते हो, इसको इसमें दिखाया गया है इंजेक्शन डिले पीरियड, ये वाली लाइन आपकी स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन है, ये वाली लाइन आपकी जो है स्टार्ट ऑफ कंबस्शन है और ये एंड ऑफ इंजेक्शन है। तो कंबस्शन के लिए क्या क्या ड्यूरेशन है ये एक नॉर्मल वे में आपको दिखाया गया, अगर नॉर्मली इंजन चल रहा है तो क्या होगा। अब हम इसको देखते हैं कि कंबस्शन कैसे, नॉकिंग कैसे हो सकती है। अब नॉकिंग को समझने के लिए आप समझो, इफ़ इग्निशन डिले इज़ क्वाइट लॉन्ग देन फ्यूल कंबस्शन ड्यूरिंग डिले पीरियड वुड बी लार्ज।
फ्यूल एक्यूमुलेशन, सॉरी एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग डिले पीरियड वुड बी लार्ज, यानी जो आपका जो फ्यूल एक्यूमुलेशन के लिए टाइम मिल रहा है वो ज़्यादा होगा. एंड व्हेन एक्चुअल बर्निंग कमेंसेस एडिशनल फ्यूल विल काज रैपिड और ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस प्रेशर राइज, जो ये एक्यूमुलेटेड फ्यूल है बहुत तेज़ी से जलेगा और बहुत रैपिड जो है प्रेशर राइज करेगा. और दिस सिचुएशन प्रोड्यूस एक्सट्रीम प्रेशर डिफरेंस एंड वायलेंट गैस ऑपरेशन विच इज़ नोन एज नॉकिंग, यानी यही फेनोमेना आपकी नॉकिंग कहलाती है. यानी इग्निशन डिले अगर ज़्यादा हुआ तो फ्यूल इकट्ठा ज़्यादा होगा और जब बर्न करेगा तो उसके पास फ्यूल ज़्यादा फ्यूल एक साथ बर्न करेंगे और यही आपके नॉकिंग का रीज़न बन सकता है. तो हमें ये चीज़ ध्यान रखने, यही नॉकिंग फेनोमेना है और इसी को हम नॉकिंग कहते हैं और एक अनडिज़ायरेबल चीज़ है हमारे लिए. अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये दिखाया गया है, ये बताया गया, देखो ये फेनोमेना दोनों के बीच में सिमिलरिटी होती है. द फेनोमेना इज सिमिलर टू एसआई इंजन, हाउ एवर इन एसआई इंजन नॉकिंग अकर्स नियर द एंड ऑफ कम्बशन एंड इन सीआई इंजन इट अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ कम्बशन. तो दिस इज़ एक्चुअली बेसिक डिफरेंस. अगर आपने पहले ध्यान दिया होगा तो वहाँ पर एंड ऑफ दी कम्बशन की के आसपास आपकी नॉकिंग होती है और यहाँ पे सीआई इंजन में बिगनिंग में ही नॉकिंग होती है. तो एक बहुत बेसिक डिफरेंस है कि नॉकिंग फेनोमेना कब होता है. तो नॉकिंग फेनोमेना शुरुआत में होती है, यानी ए बिगनिंग ऑफ द कम्बशन के टाइम पे होती है सीआई इंजन में और एंड ऑफ कम्बशन के टाइम पे होती है आपके एसआई इंजन में. तो ये एक बेसिक डिफरेंस था. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये फिगर के थ्रू समझाया गया है. फिगर वही चीज़ वही फिगर है. फिगर में आपको दिखाया गया है कि नॉकिंग कैसे हो रही है. अब नॉकिंग को मैंने आपको दिखा रहा हूँ. देखो ये वाला पॉइंट जो है आपका, यानी ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए. इस वाले पॉइंट को, ये फिगर वही है, ये एबनॉर्मल कम्बशन यानी नॉकिंग का फिगर है कि नॉकिंग अगर हो रही होगी तो पी थीटा डायग्राम कैसा होगा. ये आपका पी है यानी प्रेशराइज को दिखा रहा है, ये टाइम है. इधर की तरफ जाओगे तो यानी आपका टीडीसी की तरफ जा रहे हो. ये लाइन क्या है, टीडीसी लाइन है. अब हो क्या रहा है, आप खुद देखिए कि आपका जैसे ही ये SOI जो लिखा है स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन लिख रहा है और SOC जो है स्टार्ट ऑफ कम्बशन लिख रहा है, TDC है. तो स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन होगा ये वाली पॉइंट से, यानी यहीं से जैसे ही आपका पिस्टन यहाँ तक पहुँचा यानी टुवर्ड्स वो मूव कर रहा है TDC की तरफ, यहाँ पे आपने कम्बशन इंजेक्शन स्टार्ट कर दिया. इंजेक्शन स्टार्ट होने के बाद यहाँ कहीं जाके वो कम्बशन स्टार्ट हो रहा था, यानी इसके बीच में आपके पास इतना टाइम ड्यूरेशन, ये वाला टाइम ड्यूरेशन जो था ये आपका इग्निशन डिले हुआ. अब इग्निशन डिले हुआ यानी इतने टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा फ्यूल सपोज करो इकट्ठा हो गया. अब ये फ्यूल जब स्टार्ट बर्न कर रहा है तो बहुत एक्सट्रीम प्रेशर राइज हो रहा है और एक तरीके से मतलब आपका इंस्टेंटेनियस हो रहा है और अजीब से एक बिहेवियर दिखाता है जिसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं होती है और इस तरीके से आपको स्मूथर कम्बशन या पीक प्रेशर्स नहीं मिलते हैं. तो ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहा है इसी को आपको नॉकिंग फेनोमेना कहते हैं. नहीं ये नहीं हुआ, ये वाला एरिया जो बन गया यही नॉक फेनोमेना को रिप्रेजेंट करता है. और ये TDC के आसपास देखो जैसे ही कम्बशन स्टार्ट ऑफ कम्बशन हुआ और TDC के बाद भी चालू है यानी स्टार्ट है ये पूरा, तो ये एक अनडिजर्वेबल फेनोमेना. इसमें इंजन वाइब्रेट करेगा और आपका जो है बहुत अजीब सा साउंड आएंगे जिनको हम जिसको हम नॉकिंग के एविडेंस के तौर पर ले सकते हैं. हालांकि थोड़ा बहुत नॉकिंग तो होती है लेकिन एक लिमिट के बाद हम नॉकिंग हमारे लिए अनडिजर्वेबल इंजन को डैमेज कर देती है. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने वाली है. इसी को टाइम लाइन पर देखा गया है इस वाले फिगर में इसी चीज़ को टाइम लाइन पर देखा गया है. टाइम लाइन से मेरा मतलब है कि टोटल इंजेक्शन टाइम, सपोज करो ये स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन लाइन है, ये वाली लाइन स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन है और ये एंड ऑफ इंजेक्शन ये वाली लाइन, इनके बीच में ये टाइम ड्यूरेशन है. इस टाइम ड्यूरेशन में आप देखोगे यहाँ से कम्बशन स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट ऑफ कम्बशन है. अब स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन के बीच में ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये डिले है और डिले के दौरान जो भी फ्यूल आएगा वो एक्यूमुलेट होगा. यानी जब स्टार्टिंग शुरू होगी यानी कम्बशन जब स्टार्ट होगा यानी इस पॉइंट से आपके पास इतना फ्यूल होगा, यानी करीब करीब आपके पास इतना फ्यूल है जो कि आपका क्या करेगा, बर्न करने के लिए अवेलेबल है. तो यानी यहाँ पर जब बर्निंग होगी तो बहुत तेज़ी से आपके पास प्रेशर राइज होगा और ये आर्बिट्री मैनर में होगा और यही हमारा अनडिजर्वेबल नॉक है. इसी को एविडेंस करेंगे हम यहाँ पे. तो इस तरीके से एक टाइम लाइन पे इस चीज़ को समझा जा सकता है.
नाउ लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट. अब कौन कौन से फैक्टर आपके जो है वो नॉकिंग को इफेक्ट करते हैं. तो नॉकिंग को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो सीधी सी बात है, नॉकिंग इज़ रिलेटेड टू द इग्निशन डिले. सो जो फैक्टर जो है नॉकिंग को डिले जो फैक्टर नॉकिंग डिले को ओके लेट्स अंडरस्टैंड नॉकिंग इन CI इंजन डिपेंडिंग अपॉन डिले पीरियड लार्जली. सो इफ इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द डिले पीरियड देन ऑब्वियसली द फैक्टर व्हिच विल इफेक्ट द डिले पीरियड विल ऑल्सो इफेक्ट द नॉकिंग फेनामेना. ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी बीन टेलिंग यू कि अगर जो है डिले पीरियड शॉर्ट होगा तो नॉकिंग कम होगा. तो यानी डिले पीरियड वही चीज़ बढ़ाती है वो नॉकिंग बढ़ाएगी, जो डिले पीरियड कम करती है वो नॉकिंग को कम करेगी. इसी रिस्पेक्ट में हमें समझना है इसे. तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो नॉकिंग को इफेक्ट करते हैं. हम कुछ पॉइंट्स को आप खुद ही सोचना थोड़ा यहाँ पे बता रहे हैं. जैसे कंप्रेशन रेशियो है, कंप्रेशन रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो यानी जो एंड ऑफ कंप्रेशन होगा यानी जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक ख़त्म होगा तो आपके पास क्या होगा, जो एयर होगा उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेशराइज और हीटअप होंगे, और ज़्यादा हीटअप होंगे तो वो जल्दी मतलब इग्नाइट होंगे, उनका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो डाउन हो जाएगा, और इस वजह से क्या हो जाएगा आपका जो है डिले पीरियड शॉर्ट हो जाएगा. यानी डिले पीरियड शॉर्ट या नॉकिंग को कम करेगा, कंप्रेशन रेशियो नॉकिंग को कम करेगा, लेकिन कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने की भी एक लिमिट है, तो उससे ज़्यादा हम इसकी भी लिमिटेशंस हैं तो हम बढ़ा नहीं सकते. तो हमारे पास एक कुछ ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि सबकी एक अपनी लिमिट होती है, लेकिन नॉर्मली कंप्रेशन रेशियो नॉकिंग को रिड्यूस करेगा. इंजन